ये देखिए इंडिया का झंडा लगा हुआ है और ये सामने चाइना की बिल्डिंग है। यही रोड है सीधा चाइना को जाता है और वो ऊपर जो बिल्डिंग है व्हाइट वाली वो चाइना की है, वो देखिए चाइना की वो। और मेरे मोबाइल का टाइम है 12:13, चाइना का टाइम आ गया इनके मोबाइल पे। बीच में से निकालो भैया गाड़ी, दोनों आके बीच में से निकालो। निकलने से पहले तो कॉफी का तो एक एक शॉट चाहिए कैफीन का। सामने पहली बर्फ की चोटी जाते वक्त रास्ते बहुत, देखिए मैं कैसे निकल रहे हैं पहाड़ी रास्ते। हाइट पर होगा जो जहाँ जा रहे हैं हम आज 14,200 फीट हाइट। सो वहाँ जाने से पहले सबसे पहले हमें यहाँ से परमिट लेना पड़ता है। चार आदमी आए हैं हम लोग, चार हैं, हावड़ा 2-3 और एक तो दादा है। देखिए यार मुझे यहाँ पे राइडर्स मिले हैं और उन्होंने बैच दिया और इंडिया का झंडा दिया। हम लोग बाइक ग्रुप, ये वाला ग्रुप बंगाल राइडर, बंगाल राइडर वाओ, ये वाला भी ग्रुप है एक वर्ल्ड कम्युनिटी ग्रुप। और ये पास हमारा बना है, ये देखिए इसमें हम दोनों की फोटोज लगी हुई है, मेहताब सिंह और मेरी। परमिट लेने जरूरी होते हैं वहाँ जाने के लिए। और ये ड्राइवर भाई साहब बोल रहे थे कि नहीं नहीं हम अकेले एंजॉय करो। अच्छे इंसान है यार यहाँ के सिक्किम के। सारी अनाज की बोरियां जैसे लड़ी ना होती है। वही मजा ले रहा है जिंदगी का तो वो डॉक्टर साहब ले रहे हैं पीछे, देखिए फुल स्लीव पे। और ये नीचे को जाना है, नीचे से होके उस शहर के बीच में से, और ये शहर आया है चांदमारी। क्या बनाओगे, परौंठा दोगे? उसको परौंठा देना है ना, परौंठा आलू वाला है। आलू वाला मुझे भी परौंठा दे दो, एक एक परौंठा दो पहले आप। हमारे पंजाब में ऐसा नहीं है, यहाँ के परौंठे बहुत मोटे जैसे वो होता है ना ब्रेड टाइप परौंठा मिलता है यहाँ पर खाने में बहुत डिलीशियस है। ओ चेते कर दी होवेंगी और तू भी उठती बहंदी। एंट्री करी जैसे परमिट चेक होता है यहाँ पे, वो देखिए मोहर लग रही है। यहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की पर्ची लगती है, 10 रुपए की 2 पर्चियाँ जितने आदमी हो। नहीं नहीं थैंक यू जी। ऐसे नज़ारों में जब आता है ना आदमी तो आदमी के दिमाग में ना एक फिल्म बननी शुरू हो जाती है ऑटोमेटिकली। मैं समझता हूँ ना, तो आप बात कर लो ना मालिक से। जैसे आप देख रहे हो व्हाइट फ्लैग लगे हुए हैं ना, ये बुद्धिस्ट लोग लगाते हैं व्हाइट फ्लैग, और इसके पीछे यार मतलब ये होता है कि जब किसी के घर में कोई डेथ हो जाती है तो वो ऐसे व्हाइट फ्लैग लगाते हैं। और सबसे ऊंची है माउंट एवरेस्ट की पीक, दूसरे नंबर पर आती है पाकिस्तान की K2 पीक, और तीसरे नंबर की है ये कंचनजंगा पीक जो सामने दिखा रहा हूँ। ये मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, कैमरे में आ नहीं रहा मगर ऊपर से वो ग्लेशियर उड़ रहे हैं ना, बर्फ उड़ती भी है ना। वाओ ब्यूटीफुल यार, ऑसम व्यू। कैन वाला पीना, ये नहीं पीना मैंने, नहीं पीना ले लो फिर दो मैं भी पी लूंगा। ये सारी हिमालयन रेंज है जहाँ से हम गुजर रहे हैं, और जो मैंने आपको कंचनजंगा पीक दिखाई थी सबसे मुश्किल ट्रैक है उसका। ज्यादा टूरिस्ट केस मेरे ख्याल से मार्च अप्रैल में आता ज्यादा, तो बर्फ होती है यहाँ पे बहुत होता है इस जगह पे 15 माइल पे बहुत होता है। जाओ जाओ वहाँ जाना है हमने टॉप पर, उसके दूसरी तरफ सारे ऊपर को ये मैं दिखा रहा हूँ शांगू लेक। ये वापसी में सारी मैं आपको क्लियर दिखाऊंगा, ये छोटी झील नहीं है। बीच में से निकालो भैया गाड़ी, दोनों आके बीच में से निकालो। ठीक है ना, खूबसूरती वापसी में पूरी आपको ये पूरा दिखाऊंगा झील अच्छे से, जांगू झील। ऑसम ऑसम, मन कैसा है, मन कैसा है। बहुत ऊंचाई पर आ गए हम, ये ऊपर क्या लाइट हाउस है ये? ये पंछी कौन से इतने बड़े आए पंछी यहाँ पे? चाइनीज कौआ, क्या बात है। गितेया, ओ, पीछे पीछे निकल गया ये देख। इसकी चोंच लाल होता है। अच्छा इसकी चोंच लाल होती है, ये कहीं वहाँ से तो ना ऐसे इन्फॉर्मेशन देने के लिए वहाँ पे उसके अंदर वो सेट किया हो कुछ ना कुछ कौए के, हो सकता है। और देखिए यार थेगू, इस जगह का नाम है थेगू जहाँ पर है, और ये 12,080 फीट की ऊंचाई पर है हम इस वक्त। हरभजन सिंह द्वार, वो देखिए लिखा बाबा हरभजन सिंह का द्वार है ये, और इस जगह का नाम है थेगू। अच्छा जी, ये क्या ग्रीन ग्रीन कलर के? ये सब सर पहले इधर में इंडो चाइना ट्रेड सेंटर हुआ करता था। अच्छा इंडो चाइना ट्रेड सेंटर, वेलकम टू दी मानसरोवर यात्रा, वो देखिए लिखा सामने। वो ऊपर की तरफ जाना हमने, अच्छा उसके ऊपर है। अच्छा डगर द्वार आ गया है, नथुला का ये एंट्रेंस है, और यहाँ पर ये चेकिंग हो रही है, हमारे पासेस वगैरह चेक होंगे गाड़ी के। मोबाइल जमा करना है क्या? ये नथुला पास के हम बिल्कुल पास आ गए, नथुला पास के ये चाइना की बिल्डिंग है व्हाइट वाली। वाओ इतना रश क्यों है ऊपर? पूरा
बड़ा टूरिस्ट है, इतना टूरिस्ट आया हुआ है। ये देखिए चाइना सामने, ये इंडिया, और वो भी ये वाइट वाली है, वो भी चाइना की है। वाओ, चलिए अब बॉर्डर की तरफ जाते हैं। और ये रोड सीधा जाती है चाइना को, और वो जो ऊपर देख रहे हो वो चाइना की बिल्डिंग है सामने, और ये इस तरफ है इंडिया, और हमें जाना है यहाँ से उधर से घूम के उसके ऊपर से हमें चाइना का बॉर्डर देखेंगे। और ये रूट जैसे कोई व्यापार है, जैसे किसी आर्मी की मीटिंग होनी है, कुछ भी होती है, वो इसी रोड से आते हैं। ये सामने ज़्यादा से ज़्यादा 100-200 मीटर वो सामने बॉर्डर है, मगर हमें वहाँ जाने नहीं दिया जाएगा। और हमें यहाँ से मैं ऊपर जाके आपको बॉर्डर दिखाता हूँ इंडिया चाइना का, जुड़े रहिए इस वीडियो में। वेलकम टू नथुला। नथुला पास, जहाँ पर इंडिया खत्म हो जाएगा, चाइना शुरू हो जाएगा। मूविंग टूवर्ड्स बॉर्डर। सांस फूल रही है, इतनी ऊंचाई तक आते आते। ओहो, 14,500 फुट की ऊंचाई पर हैं हम इस वक्त। ये देखिए सामने, ये देखिए इंडिया का झंडा लगा हुआ है, और ये सामने चाइना की बिल्डिंग है, ये व्हाइट वाली चाइना की है, और ये इंडिया के बंकर हैं। ये सब देखिए टूरिस्ट लोग, बहुत ही नजारा आया ऊपर जाके। कहाँ से वापस हो रहे हो आप? लोग सारे उधर से आ रहे हैं, आपका सीन ही हमेशा गलत अलग रहता है, दुनिया से हटके काम करते हो। लोग सारे अंदर से आ रहे हैं, मगर जी डॉक्टर साहब अपना अलग से रास्ता चुनते हैं। हेलो, चलो चलो अब यहाँ से गिर के वो सीधा नीचे जाएंगे दोनों जन। ये देखो यार सामने सारे बने हुए हैं। डॉक्टर साहब कहाँ कहाँ से जा रहे हो? डॉक्टर साहब आ ही गए आखिरकार। यहाँ पे देखिए खाने के लिए इंडियन आर्मी की तरफ से कंटीन है, उन आर्मी वालों की, समोसे चाय वगैरह सारा कुछ आपको मिल सकता है। अगर बाय द वे आपकी ऑक्सीजन वगैरह भी लो हो जाती है तो फर्स्ट एड किट वगैरह सब कुछ उपलब्ध है यहाँ पे। और नीचे वहाँ हमारी गाड़ी लगी हुई है, वो वहाँ, यही रोड है सीधा चाइना को जाता है, देखिए। और ये लास्ट रोड है, इसके बाद चाइना शुरू हो जाएगा, और मैं यहाँ से फोटो खिंचा रहा हूँ। और इससे आगे शुरू है चाइना, जहाँ से मैं अभी इस वक्त फोटो खिंचा रहा हूँ, और आपको और भी ज्यादा दिखाऊंगा यहाँ के नजारे, जुड़े रहिए इस वीडियो में। वो लाइन जो दिख रही है वो बॉर्डर की लाइन है, उन्हें कह दी ना लल्ले भाई। ये जो मैं आपको ये तार दिखा रहा हूँ ना तार, इसके दूसरी तरफ चाइना है। वो ऊपर जो बंकर बने हुए हैं वो चाइना के बंकर हैं। टूरिस्ट देखिए कितना, हजारों की मात्रा में टूरिस्ट है। और मैं यहाँ से आगे जा रहा हूँ बाबा हरभजन जी के मंदिर में, और वो भी बहुत ही ऐतिहासिक और हिस्टोरिकल जगह है बाबा जी की, जहाँ मैं अभी आपको अब लेके जा रहा हूँ। डॉक्टर साहब चाइना के कोई आर्मी नहीं थी कि चाइना की आर्मी का वक्त चाइना का आ गया टार चाइना वो छुप तो नहीं गई हमें देख के कहीं छुप गए सारे नजारे ओए क्या बात हो गई। और ये देखिए मैं यहाँ से आया हूँ यार, ये मैं जहाँ से आया हूँ और वो मैंने पहले बताया था वो है चाइना, और ये जो सामने बंकर देख रहे हैं ये भी चाइना के हैं। और अब चलते हैं आगे, चलो जी चलो।